हेलो पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन SBM फेस 2 के तहत अगर आपने अपने शौचालय के लिए आवेदन किया था तो आप अपने लिस्ट को खुद से चेक कर सकते हैं, यानी कि जो आपने आवेदन किया था आपका नाम भरा गया या नहीं भरा गया, सारी चीज़ें अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं। अभी हम इस पर चेक करके दिखाने वाले हैं किस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट देख पाएंगे अपने ग्राम पंचायत की, अपने ग्राम की जो भी जितने भी आवेदन होंगे सारे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन SBM फेस 2 के तहत गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट SBM फेस 2 के तहत पास हुआ था, जिसमें लाभार्थी के खाते में सीधे 12,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और 6,000 की किस्त जाती है। अब ये पैसा कितने दिन में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने आवेदन कराया तो आवेदन के हो सकता है 2-3 महीने बाद या जैसे ही बजट आता है तुरंत उसका अप्रूवल मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं किस तरह से आप अपने गांव की यहाँ पे लिस्ट देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ इस तरह से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फ़ोन से कैसे चेक कर पाएंगे, कंप्यूटर से कैसे चेक कर पाएंगे, सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो टैब्स ओपन है मैं उनको बंद कर देता हूँ और नए टैब से आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने क्रोम ब्राउजर या गूगल किसी में आप ओपन कर लेंगे, अगर डेस्कटॉप पे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर में न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे swachhbharatmission.gov। ठीक है, इस तरह से लिंक है जो swachhbharatmission.gov.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल क्रोम में टाइप करना और इंटर प्रेस करना। ठीक है, इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। ठीक है, ये जो स्कीम है यहाँ पे ग्रामीण का है तो यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रामीण के पर्पज़ से ही दिखेंगी। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे देखना है कि कैसे आप अपने लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ पे देखने के लिए नीचे आपको स्क्रॉल करना, जब आप इस तरह से यूजर फेस इंटरफेस पर आ जाएंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, एक MIS का ऑप्शन है। ठीक है, और ये कि एप्लीकेशन फ्रॉम IHHL। अब मैं यहाँ पे दोनों से एक्सप्लेन कर दूँ। MIS में आप सीधे बिना ID पासवर्ड या किसी भी जरूरत के आप देख सकते हैं, कोई भी डेटा देख पाएंगे किसी भी ग्राम पंचायत का, किसी भी स्टेट का और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। और एप्लीकेशन फॉर्म IHHL से आप केवल उन्हीं का देख पाएंगे जिसका आपने आवेदन किया होगा। आप यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैक कर पाएंगे, आप यहाँ से भी स्थित देख सकते हैं लिस्ट वगैरह नेम की हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी लिस्ट चेक करना है तो MIS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी लिंक हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप वहाँ से आ सकते हैं। जैसे ही आप MIS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्वच्छ भारत मिशन फेस 2 का यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉलम में डिवाइड है और यहाँ पे मेंशन है चीज़ें, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है जहाँ पे ये लिखा हाउस होल्ड ऑफ फेस 2 CSC रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए MR13A जो अभी ऑप्शन हाईलाइट है यहाँ पे, एंट्री स्टेटस ऑफ न्यू हाउस होल्ड इन SBM फेस 2, यानी अगर आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट पे दिख जाएगा। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नए टैब्स यहाँ पे खुल के आएंगे, तो चलिए हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपली स्टेट इस नेम यहाँ पे है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं एक स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो या लाभार्थी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। अटेंडर यहाँ पे एक मैं ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी ब्लॉक होती है, जैसे कि मेरे यहाँ जो थी मैंने सिलेक्ट कर लिया, लाभार्थी की जो होती है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ग्राम पंचायत यहाँ पे इस तरह से खुल जाएंगी, तो सिंपली आपको इनमें से एक ग्राम पंचायत को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं एक यहाँ पे ग्राम पंचायत को ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके सामने देखिए यहाँ पे नंबर से लिखे इंटर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड अप्रूव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन पोर्टल। ठीक है, जो भी सिटीजन पोर्टल से एप्लीकेशन रजिस्टर्ड किए गए हैं यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है, आपको सिंपली इसी नंबर पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे किसी नंबर पे एक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जिस भी ग्राम पंचायत का आप देखना उसी के सामने आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप किसी भी ग्राम पंचायत पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ का जो डेटा है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे आवेदन किया गया होगा सिंपली आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा विथ नेम वगैरह। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम और यहाँ पे और आपका यहाँ पे नाम है कि नहीं आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपका शौचालय नहीं आएगा, आपने किसी को कागज दिया हो उससे मतलब नहीं है। आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए, यानी ऑनलाइन शो होना चाहिए कि आपने जो फॉर्म फिल करवाया है किसी के माध्यम से उसने अगर फिल किया है तो एक अगर सही पोर्टल पर है तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है कि अभी जैसे मेरे यहाँ बजट में कुछ लोगों का फर्स्ट अमाउंट जो 6,000 का वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अगर आपका किया होगा तो आपके अकाउंट में पैसा पहुँच गया होगा। आई होप आप यहाँ देख पाएंगे लिस्ट किस तरह से देखी जाती है। आप कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो यहां से प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं और इस तरह से आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। सेकंड एक ऑप्शन है, अगर आप सेकंड देखना चाहते हैं तो मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूं।
आप उसी बैक आएंगे। यहाँ से तो आप देख सकते हैं सारी लिस्ट आपके सामने खुल गई। अगर आप देखना चाहते हैं दूसरे प्रोसेस है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अभी कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सारी चीज़ें आप यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा डैशबोर्ड का, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करने के लिए अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे हिंदी के नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विलेज प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सब कुछ आप मेंशन होता जाएगा, आपको सेलेक्ट करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जो भी आपकी ब्लॉक हो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे ग्राम पंचायत जो होती है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो विलेज हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके ग्राम पंचायत में डेटा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वर की एरर की वजह से नहीं ओपन हो रहा है। तो आप जैसे मैंने लिस्ट को बताया कैसे चेक करना, आप उसको देख लीजिए, आप वहाँ से चेक कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा जैसे पैसा मान लीजिए ट्रांजेक्शन की स्थिति क्या है, उसको कैसे चेक करना है, वो किस तरह से अपने लॉगिन आईडी से चेक किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी दिखाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।